पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत में नगर खातेगांव के समस्त व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे। खातेगांव के चमन चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक मोतीलाल यादव ने देश के प्रति जज्बा जगाते हुए कहा कि हमारा खून खौल रहा है कि सरकार अगर रिटायर फौजियों को एक संदेश दे दे तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। श्रद्धांजलि सभा का संचालन व्यापारी अजय परनामी ने किया। आभार सुनील यादव झब्बू ने माना। इस अवसर पर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, विधायक आशीष शर्मा, कन्नौज जनपद अध्यक्ष डॉ. ओम पटेल, एसडीएम काशीराम बडोले, थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, बीईओ किशन लाल उइके, रिटायर्ड फौजी मोतीलाल यादव, पीसीसी सदस्य सुनील यादव, पार्षद प्रतिनिधि शैलेश यादव तथा अन्य वरिष्ठ जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर सरकार से एक ही अपील की है कि अब नहीं सहा जाता, अब बदला ही चाहिए। मुझे आज याद आ रही है कि उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, महीने लगे हाथों ने जब मंगल सूत्र उतारे हैं, और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की वो बात मुझे आज याद आ रही है कि अगर तुम्हें इस देश में अगर कोई संकट की घड़ी आए, प्राकृतिक आपदाएं आए, भूकंप आए, प्रलय आए, या कोई देश पड़ोसी देश अगर हमला करे या युद्ध की स्थिति निर्मित करे, तो तुम इस लोकतांत्रिक देश के जो कि बहुत से दल हैं सब एक हो जाना और एक होकर उनको सबक सिखाना, यही उनके लिए उनका कमर तोड़ने के लिए जवाब होगा। हमारी एकता ही उनकी कमर तोड़ सकती है। जय हिंद, जय भारत। ये आवाज़ है, हमारी सरकार से भी एक निवेदन है कि आप से हमारा निवेदन है कि पूरा हमारे जवानों का बदला लिया जाए, और यदि देश को ज़रूरत पड़े तो हम पूरे जितने भी रिटायरमेंट फौजी है आज देश के लिए हम तैयार हैं। वापस यदि हम संदेश मिलने का, हमको एक आदेश मिलने की आवश्यकता है, हम पूरा देश के लिए बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान से बदला लेने का जज्बा वो आज भी हमारे अंदर बिल्कुल बरकरार है, और बदला लेके रहेंगे, बदला लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी शहादत को हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने देंगे। उनका मनोबल हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल गिरा करके रहेंगे, उनका मंसूबा कभी भी कायम नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान को पूरा सबक सिखा करके ही दम लेंगे। पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ आज हमारे साथ है और हम उसको काम करके ही छोड़ेंगे।